समस्तीपुर उन्माद उत्पात की राजनीति के खिलाफ भूमिहीन कुभूमि शौचालय आवास वृद्धावस्था मौसमाती दिव्यांग पेंशन कन्या विवाह कबीर अंत्योष्टि योजना समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं की राशि में लेट लतीफ व भाई भतीजवाद बंद कर तमाम राशि दोगुनी कर देने आदि की मांग को लेकर भाकपा माले जिला कमेटी के झंडे बैनर एवं नारे लिए तख्तियां तले शहर के मालगोदाम चौक से एक विशाल जनाधिकार मार्च निकाला गया, जो बाजार क्षेत्र का भ्रमण करते हुए समाहरणालय के समीप प्रदर्शन करते हुए अनुमंडल परिसर में सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता माले जिला सचिव प्रोफेसर उमेश कुमार तथा सुरेंद्र प्रसाद सिंह कर रहे थे। डी न्यूज के लिए पंडित के साथ नवीन वर्मा। उजियारपुर समस्तीपुर नहीं, पूरा राज्य शर्मिंदा हुआ है, राज्य शर्मसार है। उजियारपुर में राशन बनाने के लाइन में महिला 4 महीना के बच्ची को लेकर खड़ी थी, 7 बजे से खड़ी थी, 500 आदमी का लाइन था। ठंड लगने से राशन के लाइन में बच्ची की मौत हो गई है। बच्ची की मौत के सवाल को हम पूरे राज्य में उठाते हुए हम मांग कर रहे हैं आज राज्य सरकार से, जिला प्रशासन से, तमाम जरूरतमंद को राशन कार्ड मिले, तमाम जरूरतमंद को शौचालय मिले, आवास मिले। इन योजनाओं में जो घुसखोरी है, घुसखोरी पर रोक लगे। साथ ही साथ बच्ची की मौत मामले में उजियारपुर के बीडीओ पर FIR दर्ज किया जाए और राशन कार्ड बनाने का जो शर्त रखा गया है, हास्यास्पद शर्त है। इस शर्त के अनुसार राशन कार्ड में आवास प्रमाण पत्र भी लिया जा रहा है और साथ ही साथ आधार कार्ड भी लिया जा रहा है। जब आधार कार्ड है तो आवास प्रमाण पत्र हटाया जाए, जब सेल्फ डिक्लेरेशन है, स्वयं घोषणा पत्र है, तो उस आधार पर वहाँ कोई जरूरी नहीं बनता है अदालत से एफिडेविट का। तो राशन कार्ड में शर्त को हटाया जाए। इन मांगों को लेकर के भाकपा माले आज समस्तीपुर में विशाल जुलूस निकाल कर विरोध मार्च किया है। साथ ही पटना में वार्ता के बहाने बुला करके कर्मचारी नेता रामबली प्रसाद एक अन्य साथी को जेल भेज दिया गया है। हम मांग करते हैं कि तमाम जरूरतमंदों को राशन, इंदिरा आवास और इस तमाम योजनाओं में जो घुसखोरी है, ये घुसखोरी पर रोक लगे, लॉयनर पर रोक लगे। इस सवाल को लेकर भाकपा माले ने जिला में एक विशाल जुलूस निकाल कर अंगड़ाई लिया है। हमारी मांग यदि नहीं मानी जाती है, आने वाले दिनों में जन आंदोलन और तेज होगा। ये सवाल को लेकर के आज हम पूरे जिला में प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। सात सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी के समक्ष खेतिहर मजदूर यूनियन ने विशाल प्रदर्शन किया। डी न्यूज के लिए नवीन वर्मा के साथ पंडित की रिपोर्ट। के अंदर बिहार के कुर्सी पर बैठे हुए नीतीश कुमार जी जिम्मेवार हैं। उन्होंने महिलाओं की बात करते हैं, उन्होंने बेटियों की बात करते हैं और दहेज मुक्त का भी अभी बात करते हैं। साथियों, आज वह शौचालय का बात करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ नीतीश कुमार जी से, नीतीश कुमार जी आप महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन एक तरफ आप मजदूर द्वारा आक्रोशपूर्ण जनसभा किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किस मांगों को लेकर आप लोग सभा कर रहे हैं? खेतिहर मजदूर और जनमानव महिला समिति की ओर से तमाम गरीबों को 35 किलोना 2 रुपए की दर से देने के लिए तमाम मजदूरों को 10 किस्म वास्तविक पर्चा देने के लिए, तमाम किसानों को खाद और बीज में सब्सिडी देने के लिए और जो है मनरेगा की जो राशि है उसको बढ़ाने के लिए, तमाम ग्रामीण को मनरेगा मजदूरी देने के लिए, मजदूरी अगर नहीं मिल रहा है तो उसको जो है बेरोजगारी भत्ता और जो बकाया मजदूरी है वह देने के लिए, तमाम जो वृद्धा है जिसको 400 रुपया वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है उसको वृद्धावस्था पेंशन 3000 रुपया करने के लिए, जो है खेत मजदूर यूनियन पूरे न सिर्फ समस्तीपुर के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर तमाम जो कलेक्ट्रिएट है उस पर आज प्रदर्शन कर रही है। यही हमारा मुख्य मांग। क्या नाम हुआ? राम सागर पासवान, खेतिहर मजदूर जिला के अध्यक्ष। तो आज आप लोग आम जनसभा किए हुए हैं जिला अधिकारी महोदय के समक्ष, तो क्या कहना चाहेंगे? आज मैं बिहार प्रांत खेतिहर मजदूर
जो नीति करण से सारा सूत्री मांग के समर्थन में आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आप खाद्य सुरक्षा योजना में जो आधार कार्ड से जोड़ने की बात हो रही है और उसमें नगद सब्सिडी की बात करके और इसको समाप्त करने की केंद्र सरकार की साजिश है, ये सवाल को लेकर आज आए हैं। हम आए हैं जमीन के सवाल को लेकर के। आज जो 10-20 मिनट जमीन जो बसने के लिए मजदूरों को मिलना चाहिए और उजियारपुर के रायपुर महान की जमीन का पर्चा गरीबों को दिया गया है और उसको कब्जा दिलाने के लिए इन बचहा महदी नगर के इलाके में जो है बांध से कटे हुए हैं उनको पुनर्वास के लिए हम आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम प्रदर्शन इस बात के लिए कर रहे हैं जहाँ जल श्रमिक किसान के द्वारा वो अपने विभिन्न मांगों के समर्थन को लेकर का आज अंचल में बैठे हुए हैं और उनसे अभी तक कोई वार्ता नहीं किया गया है। मैं उस आंदोलन का भी हम समर्थन करते हैं। हम जो ये सवाल को लेकर आए हैं एक तब ये स्वच्छता अभियान के तहत ये कहते हैं हम हर घर शौचालय बनना चाहिए, निश्चित रूप से शौचालय बनना चाहिए, लेकिन कछुआ के चाल के हिसाब से शौचालय बन रहा है लेकिन जो लोग बना लिया है उसको अभी तक बकाया राशि नहीं दिया गया है। जो विधवा है, विकलांग है, आज कई महीनों से उनको भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ हमारा उसका मांग भी है कि 5,000 पेंशन मिलना चाहिए। यही सारे मांगों को लेकर के आज हम यहाँ आए हुए। मेरा नाम रामाश्रय महतो, बिहार के जिला सचिव। धन्यवाद।